मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में 5 सितंबर बिड़ला घराना में 2500 करोड़ की लागत से ग्रेसिम उद्योग के विस्तार योजना की गुरुवार को लोक सुनवाई हुई। इस मौके पर प्रदूषण से प्रभावित आसपास के 14 गांवों के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया, जिनमें भगतपुरी, परमार खेड़ी, अटलावदा, निपानिया, मोकड़ी गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण विरोध करने आए थे। इधर ग्रेसिम यूनिट के हेड सुरेश ने कार्यक्रम के बाद SW24 न्यूज नागदा के संवाददाता से बातचीत में बताया कि ग्रेसिम अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए इजराइल की तकनीकी का उपयोग कर रहा है। अच्छे परिणाम अब सामने भी आ रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रेसिम यहां पर स्टेपल फाइबर उत्पादन विस्तार करने जा रहा है। अभी यहां पर 1,175 टन फाइबर का उत्पादन कर रहा है। अब इसे बढ़ाकर 2,33,600 टन फाइबर का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसके लिए पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया, जिसके तहत लोक सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन लोक सुनवाई में ग्रामीणों के विरोध से कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चंबल के पानी से फैल रही बीमारियां, ग्रामीणों ने इन बात को लेकर विरोध किया कि औद्योगिक प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। चंबल का प्रदूषित पानी पीकर उनके जानवर बीमार होकर दम तोड़ रहे हैं। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। जो सरकार चाह रही है, जो आसपास के पब्लिक चाह रही है, उसको फुलफिल करने की हमारी पूरी कोशिश रही। जो लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट 70% का कुछ सरकार ने रूल बनाया है, रघुवंशी जी बराबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि 70 से ज्यादा ही करें। जो एक्सट्रीमली स्पेशलाइज स्किल सेट के लोग हैं, उन्हीं को बाहर से लाया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ सर्वाइव करना, अभी ये कंपनी करीब 70 साल से है यहाँ पर, और अगर अगले 50 साल तक यहाँ सर्वाइव करना, यहाँ के लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इसीलिए पब्लिक हियरिंग का एक प्रैक्टिस सरकार ने शुरू की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य